अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, रह गया सिर्फ एक मंथ रह गया। एक मंथ में हम क्या करेंगे? एक मंथ में हम दिन रात एक करके पढ़ेंगे। एक मंथ में हम क्या करेंगे? अपने माँ बाप की दुआओं को रंग लाएंगे। इस एक मंथ में अगर जिस बच्चे ने नहीं पढ़ना तो वो कभी भी पास नहीं हो सकता। यही सिर्फ वन मंथ है आपके पास अपनी जिंदगी में कामयाब इंसान बनने का। अगर आपने मैट्रिक में अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो आप समझ लें आपको अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, तो आप समझ लें आपकी खानदान में कोई डिग्निटी इज्जत में इजाफा होने वाला है। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 के हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। उर्दू मीडियम वाले बच्चे उर्दू मीडियम में देख लें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में देख लें। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस में है, यानी कि छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने सवाल। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में है राइट 4 माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। यार आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी करके जाना है, इन नोट क्वेश्चंस को आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 से लेकर 26 तक हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है हमारे पास नीचे देख सकते हैं आप लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 के, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। इसके बाद क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, एंड हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे पास 1 से लेकर 19 तक। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में है हमारे पास 1 से लेकर 5 तक। और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो चैप्टर है वो है हमारे पास डिफाइन मेटलर्जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक है। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस में है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक। यार यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होता है 10th केमिस्ट्री की कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने आपके आपको क्या बताया है, शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया है, ठीक है। इस एक महीने में रहकर आपने अपनी दिन रात एक करके अपने वालदैन का अपने वतन का नाम रोशन करना है और आपने A+ गेट मार्क्स करने हैं ताकि आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो सके। ये सुन रहे हैं मेरी बात। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लाजमी बताऊंगा अब आप इन नोट्स को कैसे बाय कर सकती हैं। ये हमारे पास कौन से नोट्स हैं, फिजिक्स के नोट्स हैं हमारे पास, केमिस्ट्री के नोट्स हैं ये देख सकते हैं आप हमारे पास, बायोलॉजी के नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, कंप्यूटर साइंस के नोट्स हैं हमारे पास, मैथ साइंस आर्ट्स के नोट्स हैं हमारे पास, इंग्लिश के नोट्स हैं हमारे पास, इसी तरह ये देखें उर्दू के नोट्स हैं, इसी तरह हमारे पास इस्लामियात के नोट्स हैं एंड पाक स्टडी के नोट्स हैं। इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने कजनों के साथ, अपनी खाला के साथ, अपनी पुप्पों के साथ, लाजमी इस वीडियो को शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा, अगर आप फर्स्ट पोजीशन नहीं ले सकते तो एटलीस्ट आप 4+ मार्क्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गेन कर सकते हैं अगर आप इन नोट्स में से तैयारी करते हैं। अगर आप इन सारे नोट्स को बाय करना चाहते हैं जिसमें ऑल सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं, इनकी टोटल प्राइस है 1000 रुपया। TCS वाला आदमी ये सारे नोट्स आपके घर पकड़ा के जाएगा, ठीक है। इसकी टोटल प्राइस है 1000 रुपया, ठीक है। ये तो अब्दुल बारी है। ये तो अच्छा।